सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन और आज के स्टूडियो में मैं आपको टॉप 5 सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो कि यार काफी ज्यादा मस्त मस्त ट्रिक्स होने वाली, काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक्स होने वाले, एकदम यार ओपी वाली ट्रिक्स होने वाली है। सो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ और आपको बता देते हैं टॉप 5 सीक्रेट ट्रिक्स। फ्रॉम द एशेस आई राइज। तो अभी अपन आज को अपने फर्स्ट नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो फर्स्ट नंबर की सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आपको आज ऐसी जगह पे चले जाना है जहाँ पे यार एक लॉन्च पैड देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार एक लॉन्च पैड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आपको ये वाली ट्रिक को करने के लिए आपको यार एक हैंड कैनन की जरूरत पड़ेगी ना, जो यार लॉन्चर वाली जिसमें एमओ बैठती है ना वो वाली गन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार देखो, मैंने सामने वॉल पे यार मारा और यार मुझे डैमेज लगा, मतलब यार कितने का डैमेज लगा, 70-75 का डैमेज लगा है ना। बाकी फ्रेंड्स यार मैं यहाँ पे हैंड कैनन से इस लॉन्च पैड को मारता हूँ ना और यार पास में बैठा हूँ देखो, तो मेरे को यार डैमेज नहीं लगता है। तो एक गोली मारी तो यार मेरे को डैमेज नहीं लगा है, और दूसरी भी मारता हूँ ना तो यहाँ पे यार देखो मेरे को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं देखने को मिलता है ना। तो लॉन्च मतलब ये लॉन्च पैड को आप यार जब हैंड कैनन से मारोगे तो आपको यार डैमेज नहीं लगेगा, और यार दूसरी कहीं भी जगह पे मारोगे ना, जैसे कि यार यहाँ पे मैं पेड़ के ऊपर मारता हूँ तो यार मेरे को यहाँ पे डैमेज लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार आप किसी घर के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर यार दूसरी कहीं पर भी मारोगे हैंड कैनन से तो यार डैमेज लगेगा। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे लॉन्च पैड के ऊपर यार मारोगे ना तो आपको यार डैमेज नहीं लगेगा। तो ये फ्रेंड्स सर अपने आप में काफी ज्यादा ओपी सी ट्रिक थी, काफी ज्यादा अमेजिंग सी ट्रिक थी और यार एकदम मस्त वाली ट्रिक थी, कुछ न्यू था तो कुछ यूनिक था तो यार मैंने बता दिया। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने दूसरे नंबर की ट्रिक पे। तो अभी अपन आज को अपने दूसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो दूसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए आपको यार आ जाना है परगेटर में। परगेटर में फ्रेंड सर आपको आ जाना है फोर जपे फ्रेंड सर आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूं फ्रेंड सर आपको फोर जपे ऊपर के साइड में आना है और यार यहाँ पे आपको ये वाला हाउस देखने को मिलेगा। तो इसी हाउस में यार सीक्रेट ट्रिक होने वाली है। यहाँ पे फ्रेंड सर आपको इधर के साइड में आना है और यार यहाँ पे एक कारपेट देखने को मिलता है ना, तो इसी कारपेट के नीचे फ्रेंड सर यहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस है। तो यहाँ पे फ्रेंड सर मैं सीक्रेट प्लेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड सर आप देखो को कुछ मैं सामान वगैरह ड्रॉप करूंगा ना तो वो यार पूरा का पूरा सामान वगैरह हाइड हो जाए। यहाँ पे देखो मैं कितनी सारी एमओ वगैरह ड्रॉप कर रहा हूँ, लैंडमाइन ग्रेनेड वगैरह और ग्लू वॉल वगैरह, ये सारी चीजें फ्रेंड्स यार यहाँ पे हाइड हो गई है ना, तो मतलब यार मैंने कितनी सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉप करी है। बाकी यार यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यार कुछ सामान है ना वो यार हाइड हो जाता है यहाँ पे, आप सीक्रेट प्लेस बोल सकते हैं, मतलब जो अपनी लूट है ना वो यार सीक्रेट प्लेस पे चले जाती है, यहाँ पे यार कारपेट के नीचे वगैरह चले जाती है या फिर हाइड वगैरह हो जाती है। और यार यहाँ पे देखो मैं वापस से यहाँ पे लैंडमाइन वगैरह ग्रेनेड वगैरह और ये सारी चीजें फेंक रहा हूँ, तो यार यहाँ पे सारी की सारी चीजें ना वो यार हाइड हो रही है। तो ये फ्रेंड्स यार काफी ज्यादा अमेजिंग सी ट्रिक थी, काफी ज्यादा ओपी सी ट्रिक थी, एकदम यार मस्त वाली ट्रिक थी। और मतलब आपको ये वाली ट्रिक पहले से पता थी कि नहीं ये कमेंट करके जरूर से बताना। और यार यहाँ पे देखो सारी की सारी चीजें यार कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो ये फ्रेंड्स यार काफी ज्यादा अमेजिंग सा है। और यार हाँ फ्रेंड्स यार यहाँ पे सिर्फ वेस्ट हेलमेट और ये यहाँ पे मतलब मेडी वगैरह और ये जो मतलब क्या बोलते अपना मेडी वगैरह और ये जो रिपेयर किट वगैरह ना ये सारी चीजें दिखेगी, बाकी जो छोटी मोटी चीजें ना वो यार नहीं दिखने वाली। तो ये फ्रेंड्स यार अपने आप में काफी ज्यादा ओपी ट्रिक थी, आपको यार ये वाली ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, ये वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने तीसरे नंबर की ट्रिक पे। तो अभी अपन आज घूमने तीसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो तीसरे नंबर की सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स सर आपको जाना है बरमुंडा में। बरमुंडा में फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है संतोषा में, तो संतोषा में फ्रेंड्स सर आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूं यहां पे फ्रेंड्स सर आपको ये जो बड़ा सा टावर देखने को मिलता है ना तो इसी के पास में आ जाना है, मतलब यार यहीं पे एक सीक्रेट ट्रिक होने वाली, एकदम यार मस्त सा सीक्रेट प्लेस है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप कुछ इस तरीके से लेटते हो तो यार यहाँ पे एक मस्त सा क्यूट सा मतलब यार सीक्रेट प्लेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर आप कुछ इस तरीके से लेट सकते हो, सर्वाइव वगैरह कर सकते हो, कैंप वगैरह कर सकते हो। और ये फ्रेंड्स यार संतोषा में होने वाला, तो यार संतोषा मैप के लास्ट में देखने को मिल जाता है। इधर फ्रेंड्स यार काफी सारे ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स उतरते हैं ना, तो यहाँ पे यार रैंक वगैरह पुश करने के लिए यार काफी सारे बंदे वगैरह उतरते रहते हैं। और यार यहाँ पे मतलब अभी यार मतलब काफी सारे बंदे रैंक पुश कर रहे हैं, पूरी की पूरी स्क्वाड वगैरह यहाँ पे आती है और यार किसी किसी की स्क्वाड मारी जाती है, तो यार एक बंदा अकेला यहाँ पे इसी तरीके से छुप सकता है, कैंप वगैरह कर सकता है। बाकी फ्रेंड्स यार यहाँ पे बैठना इतना सेफ नहीं है जितना यार यहाँ पे लेटना सेफ है ना, तो यार यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लेट जाओ तो यार यहाँ पे लेटना काफी ज्यादा सेफ है। और यार यहाँ पे मतलब मैंने काफी देर तक फायरिंग वगैरह की थी, काफी सारे बंदे बंदे बुलाने की कोशिश की थी, बाकी यार कोई भी बंदा नहीं आया था, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब कोई बंदा नहीं आया, मतलब यार मेरी रेंज इतनी ज्यादा है ना, मतलब यार डायमंड हो रहे तो यार यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं आया ना,
तो यार अभी बंदे यार पीक वगैरह पे उतर रहे, क्लॉक टावर वगैरह पे उतर रहे, तो यार आपको यार इधर रैंक पुश करने उनने के लिए आ सकते हो ना। ये वाली सीक्रेट ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर दो। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने 14 नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे। तो अभी अपन आज को 14 नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो 14 नंबर की सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है परगेटर में। परगेटर में फ्रेंड्स सर आपको यहाँ पे आ जाना है मार्बल वर्क के नीचे की साइड में, यहाँ पे फ्रेंड्स सर आपको ये वाली साइड में आ जाना है। और यार यहाँ पे आपको दो झोपड़े उपड़े देखने को मिलेंगे, दो लकड़ी के हाउस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सर आपको एक ग्लू वॉल लेके आना है और यार ग्लू वॉल को कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। फिर आपको यार इधर से जाना है और इसके ऊपर ग्लू वॉल के ऊपर जंप कर देना है। फिर आपको यार इधर से इधर जंप कर देना है। फिर यार यहाँ पे आप इसी तरीके से आ जाओगे और इस झोपड़े के नीचे यार बीच में आप जा सकते हो। और यार वहाँ पे आप यार कुछ इस तरीके, अरे भाई साहब यहाँ पे यार गिर गया मैं नीचे की साइड में। फिर फ्रेंड्स सर आपको इधर से इधर के साइड में जाना है ना, और फिर यार वापस से यहाँ पे एक बंदा है, पहले तो उसकी ठोकाई उकाई कर देते, कोरोना लगा लिया मतलब यार कोरोना वायरस लगा दिया उसको, छोड़ते हैं। और इधर से फ्रेंड्स सर आपको इधर के साइड में आना है। और यार यहाँ से इस बीच के साइड में थोड़ा सा ईजी है, मतलब थोड़ा सा टफ है, बाकी यार कोई ना ईजी है, मतलब ईजी है भाई। यहाँ पे आप यार इस तरीके से आ सकते हो और यार यहाँ पे आप बैठो ना तो बैठ के यार बंदे वगैरह मार सकते हो। बाकी यार यहाँ पे आप लेटोगे ना तो यार बंदा बंदा मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी यार यहाँ पे लेट भी सकते हो, बाकी यार आपको यार बंदे वगैरह नहीं मारना है तो लेट जाओ। बाकी यार आपको सुताई मुताई करना है बंदों की, तो बैठे बैठे यार बंदों की सुताई उताई करो। तो एक बंदा वहाँ पे निकल मतलब कवर छोड़ के निकला है और मेरे पास तो भाई कार 98 है और यार उसको इसी तरीके से मैंने डपका दिया ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स यार मैंने पहले ही बोला था कि यार यहाँ से बैठे बैठे बंदे वगैरह इसी तरीके से मार सकते हो, बाकी यार लेटे लेटे बंदे वगैरह नहीं मार सकते हो। सो ओके फ्रेंड्स यार ये वाली सीक्रेट ट्रिक थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ी सी हार्ड है। बाकी यार आपको ये वाली सीक्रेट ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। ये वाली सीक्रेट ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और यार कमेंट करके जरूर से बताना है ना, जरूर से बताना। सो चलो यार अभी अपन चलते अपने 5वें नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे। तो अभी अपना चुके 5वें नंबर की सीक्रेट ट्रिक पे, तो 5वें नंबर की सीक्रेट ट्रिक को करने के लिए फ्रेंड्स सर आपको आ जाना है परगेटर में। परगेटर में फ्रेंड्स सर आपको फोर्ज पे आ जाना है, फोर्ज पे ये वाली लोकेशन पे आ जाना है, जिस वाली लोकेशन पे मैं हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स सर आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है। और यार यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं ना, नीले और लाल रंग के बॉक्स है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर आपको कुछ मेडी वगैरह ड्रॉप कर देना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और यार आपके पास लैंडमाइन है ना, तो यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स के ऊपर यार लैंडमाइन लगा दो। यहाँ पे फ्रेंड्स सर होता ये है कि यार आपका जो लैंडमाइन है ना वो यार दिखता नहीं है, तो लैंडमाइन लगाना कि यार ये वाली एकदम मस्त सीक्रेट ट्रिक है, सीक्रेट प्लेस है या फिर सीक्रेट मतलब कुछ भी है भाई, मतलब एकदम ऑफिस आए और ये काफी यूनिक सा है। आपकी फ्रेंड्स सर लैंडमाइन चारों तरफ से नहीं दिखती है और यार यहाँ पे कोई भी इन्हें भी बंदा यार जो अपना मेडी वगैरह है ना उसको यार लूटने वगैरह आएगा तो यार उसको आप इसी तरीके से टपका सकते हो, मतलब डैमेज वगैरह दे सकते हो। आपको यार फ्री का डैमेज वगैरह मिल जाएगा, फ्री का किल वगैरह मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर देखो, और यार ये वाली ट्रिक है ना दोनों बॉक्स पे वर्क करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सर मेरे एक टीममेट ने यार मुझे यहाँ पे एक और लैंडमाइन दे दिए, तो यार अभी मैं यार यहाँ पे नीले वाले बॉक्स के ऊपर भी लगा के बता देता हूँ। तो अपन ने लाल वाले बॉक्स के ऊपर तो लगा दिया, यहाँ पे नीले वाले बॉक्स के ऊपर भी फ्रेंड्स सर देख लो है ना लैंडमाइन है ना वो यार हाइड होती है। तो ये फ्रेंड्स सर अपने काफी मतलब मस्त सी ट्रिक है। तो ओके फ्रेंड्स सर ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। वाला टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आपको अच्छा लगा होता है लाइक कर देना, चैनल पे आ रहे हो पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ओके फ्रेंड्स सर बाय बाय, मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स सर, बाय बाय।